प्रकारों से। सबसे पहले जितने भी हमारी महिला प्रवक्ता यहाँ आई है, तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, हमारी महिला पंचायत का आयोजन करने के लिए जो पहुंची। और खास तौर पर सुदेश गोयत जी जो हमारे बीच पहुंची है, वह हम बेटियों के लिए सबसे मतलब जो जितना समर्थन होता ना वो उतना दे दिया है। वो कहते हैं ना हमारे हरियाणा में बेटे होने पर जो थाली बजाई जाती है ना, हमारी चाची ताइयों से बेटी होने पर थाली बजाने तक के वादे लेने जा रही है। अगर जोरदार तालियां बजा दीजिए सुदेश गोयत जी के लिए। और रही बात किसान आंदोलन की, तो लगातार 4 महीने हो गए किसान आंदोलन को चलते। इस आंदोलन से हमें कोई फायदा मिलो या ना मिलो, लेकिन ये जरूर दिखा दिया कि किसान कौन चीज के है। किसान जब अपनी बातों को संसद ने भी रेत बना दिया है और यह मोदी सरकार को चीज ये है, तो किसान अब जाग चुके हैं। किसान अब हार नहीं मानेंगे, किसान अब जीत नहीं छोड़ेंगे, किसान अब हार नहीं मानेंगे, जीत नहीं छोड़ेंगे। और अब तो मेरी महिला साथी भी हमारे साथ है, इतिहास बदल कर ही छोड़ेंगे, इतिहास बदल कर ही छोड़ेंगे। और तो ये दुष्यंत ये खट्टर जो यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए कर रहे हैं। और कल मैंने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ लाइव आए थे रोहतक की घटना पर। वो ये बोल रहे हैं कि मतलब जो जी इन पर लाठीचार्ज हुआ है कि भाई किसान जो है दत्ता मुक्ति कर रहे थे तो मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा। तो मैं जब पूछना चाहती हूँ क्या 70-70 साल के मेरे बुजुर्गों के वहां पर सिर फोड़े गए, टांगे तोड़ दी गई, तो क्या वो दत्ता मुक्ति करने की उम्र है क्या 70 साल की? तो ऐसी सरकार के लिए जो हमारे हरियाणा की ऐसी सरकार है और पंजाब के विधायक के लिए तो वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उनके लिए शर्मसार है, वहाँ की सरकार की निंदा करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जब यही पंजाब के विधायक द्वारा काम हमारे देश की बेटियों के साथ होता है तो तब उनकी सरकार शर्मसार नहीं होती, तब तो वो निंदा नहीं करते, तब तो उन्होंने बेटियों के लिए न्याय की गुहार नहीं लगाई। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि पंजाब के विधायक की न्याय गुहार को छोड़ो, जिस दिन हरियाणा में तुम्हारे साथ ये काम होगा ना तो तुम्हारे न्याय की गुहार कौन लगाने आएगा हरियाणा में? और कितना भी जोर लगा ले ये सरकार, हम अपने हक वापस लेकर ही रहेंगे। अब ये हमारा किसान आंदोलन नहीं रहा, जन आंदोलन बन चुका है, जन क्रांति बन चुका है। और जन आंदोलन जन सैलाब यू सरकार के